हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं नारियल के लड्डू की रेसिपी। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है तो आप इसे रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं। अंदर से देखिए कितने जूसी बनकर रेडी हुए हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं नारियल के लड्डू बनाना। तो पैन में हम डाल देंगे एक चम्मच घी का। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को, ओनली हमने घी को पिघलने देना है। तो इसमें डाल देंगे हम 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। उसके बाद मतलब जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो हम डालेंगे इसमें। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में इजीली मिल जाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो आप नारियल को बाहर का काला छिलका होता है उसे छील लीजिए और उसको मिक्सी में पीस कर भी ये बना सकते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो बस ये हमने डाल दिया है घी में। इसे हमने भून लेना है लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ओनली 2 मिनट तक भूनेंगे हम इसे। मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट तक भूनेंगे, वो भी गैस की फ्लेम को लो करके। ये ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ना भूने। तो ये देखिए इसे लगातार चलाते हुए भूनना है हमें। और ये देखिए हम इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नारियल का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, इसलिए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मलाई। जो घर में दूध से मलाई निकलती है ना, वो मलाई हमने इसमें यूज़ की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने 3 से 4 चम्मच दूध के ऐड किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी जैसे आपने 2 कप नारियल का बुरादा लिया है तो 1 कप चीनी डाल सकते हैं। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हमारा ये मिक्सचर जो है मिक्स होता जाएगा, ये जो चीनी है ये अपना पानी छोड़ देगी। मतलब मिक्सचर जो है हमारा थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाएगा जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए और चलाकर इसे इस मिक्सचर को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। जैसे जैसे चलाते जाएंगे ये मिक्सचर अपने आप धीरे धीरे करके टाइट होता जाएगा, लंप की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से लंप की फॉर्म में आ जाना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है हमारा मिक्सचर, इसका जो पानी है वो सारा सूख चुका है चीनी वाला। तो इसे ठंडा होने देंगे, अब गैस को बंद कर देंगे। तो ये मिक्सचर हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथ लगा सकें। तो अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हम स्पून से इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे लड्डू छोटे बड़े ना बने, एक ही बराबर के बने। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए हमने इसके लड्डू बना लेने हैं छोटे छोटे से। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, जो हमने नारियल का बुरादा थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ है उसमें हम इसे इस तरह से कोट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए तो बिल्कुल हलवाई भी इसी तरह से नारियल के लड्डू बनाते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में। तो एक और लड्डू आपको बनाकर आपको दिखा देते हैं, सेम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए चम्मच से लेंगे तो क्या होगा, आपके जो नारियल के लड्डू छोटे बड़े नहीं बनेंगे, एक बराबर बनेंगे सारे। तो ये देखिए दूसरा लड्डू भी हमने बनाकर रेडी कर लेना है। थोड़ा सा दबाना है इसे, ये देखिए रेडी है। इसे भी डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हमने सारे नारियल के लड्डू अपने बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये देखिए हमारे नारियल के लड्डू बनकर रेडी है। कुछ में हमने बाहर से थोड़ा बहुत पिस्ता भी लगाया है ताकि वो थोड़ा सा ग्रीन कलर से थोड़े से देखने में ज़्यादा अच्छे लगे। आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये हमने पिस्ता को क्रश करके इसमें थोड़ा सा लगा दिया है बाहर से। तो नारियल के लड्डू बनकर रेडी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुए। ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।